हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। देखिए, ऐसे बहुत कम सिक्के होते हैं जो सिर्फ 2 मिनट से बनाए गए हों, 2 मिनट से रिलीज किए गए हों, और उनमें भी ऐसे सिक्के और भी कम होते हैं जो 2 मिनट से रिलीज किए गए हों और उनके दोनों ही मिंट रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हों। और ये सिक्का है 2 रुपए का एग्री एक्सपो कॉइन, जिसके बीचों बीच बना है एक बैल और उसे घेरे हुए है गेहूं की 2 बालियां। 1995 में रिलीज हुए इस सिक्के को सिर्फ 2 मिंट में ढाला गया था, एक मुंबई और दूसरी कलकत्ता मिंट। मुंबई मिंट के कॉइन को पहचानने के लिए आपको सिक्के के यहाँ देखना होगा। अगर सिक्के के मिंटिंग ईयर 1995 के नीचे आपको डायमंड का मार्क दिखाई देता है तो ये है मुंबई मिंट का कॉइन, और अगर सिक्के के मिंटिंग ईयर 1995 के नीचे आपको कोई भी मार्क दिखाई नहीं देता है तो ये है कलकत्ता मिंट का कॉइन। कॉपर निकल मेटल से बने इस सिक्के का स्टैंडर्ड वेट होता है 6 ग्राम। इसके डिजाइन के बारे में बहुत सी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपको ये सिक्का अपने हाथ में लेकर दिखा रहा हूं। और अब बात करें उस सिक्के की कीमत की जो बनाए गए हैं कलकत्ता मिंट से, तो उस एक सिक्के के UNC कंडीशन में, जी हाँ, अनसर्कुलेटेड कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच। और अब बात करें वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन की, तो इस एक सिक्के की कीमत होगी 100 रुपये के आसपास या फिर 80 रुपये के आसपास। और अब अगर देखें कि मुंबई मिंट द्वारा बनाए गए इस तरह के सिक्कों की कीमत क्या होगी, तो UNC कंडीशन में इस एक सिक्के के, मुंबई मिंट के सिक्के के, आपको मिल सकते हैं 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच। और अगर यही कॉइन आपके पास वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो इसकी कीमत होगी 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों कॉइन, दोनों मिंट के बनाए हुए कॉइन रेयर कॉइन कैटेगरी में आते हैं, तो फिर इनकी कीमत दूसरे रेयर कॉइन के आसपास भी क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कॉइन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से किसी कॉइन की लो डिमांड उस कॉइन की कीमत को प्रभावित कर देती है। सालों तक इस कॉइन की डिमांड कॉइन कलेक्टर्स में इतनी कम रही है कि इसकी कीमत इस कॉइन की रेयरिटी के साथ साथ बढ़ी ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इस कॉइन की वैल्यू स्पेशली UNC कंडीशन में तेजी से बढ़ती जा रही है, और जल्द ही ये कॉइन भी उस कीमत तक पहुंच जाएगा जो कीमत इसे मिलनी चाहिए थी। तो ये था आज का शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, जिसमें हमने कॉइन के सभी जरूरी पहलुओं को समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबाते जाइए, क्योंकि इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है, आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।